Hello everyone, I hope you are all well at your place. Today we are going to solve new style model test paper number 3, class 10th, Punjab School of Education Board. Subject science, term first, maximum marks 40, time slot 1 hours. Question number 1, glucose plus oxygen plus water, this gives carbon dioxide and water and energy. What is the special name of this reaction? A option displacement, B option dissociation, C option respiration, D option double displacement. जो हमारे पास ये reaction है, in this case glucose साथ में oxygen और साथ में water. In this case क्या बन रहा है हमारे पास carbon dioxide और water. तो ये reaction जो है ये इसके लिए हम जो अनदर नेम जो है इसके लिए दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज चेंज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ए ऑप्शन कॉम्बिनेशन, बी ऑप्शन डिसोसिएशन, सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, डी ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट. जो रिएक्शन होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है उस रिएक्शन को हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज सिल्वर क्लोराइड. सनलाइट में क्या बन जाएगा वो सिल्वर प्लस क्लोरीन. ए ऑप्शन एंडोथर्मिक, बी ऑप्शन एक्सोथर्मिक, सी ऑप्शन हीट इंसुलेटर, डी ऑप्शन हीट सेंसिटिव. देखो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम, तो सिल्वर बन रहा है और क्लोरीन. इन दिस केस जो हमारे पास हीट जो होगी वो ऑब्जॉर्ब होगी. तो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. This is a endothermic reaction. So here A is the correct option. Question number 4, which gas is flushed into the packets of chips by manufacturers of chips? A option carbon dioxide gas, B option sulfur dioxide gas, C option nitrogen gas, D option ozone. जो हमारे पास कंपनियां जो होती हैं जो चिप्स बनाती हैं वो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस को फिल करती है. सो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जिसके कारण जो है वो चिप्स जो है खराब ना हो. सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है अमोनिया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और प्लस वाटर. फर्स्ट दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें से आपने जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दी गई हैं कौन सी जो ऑप्शन है करेक्ट है for this reaction. So here this is a displacement reaction, ये भी correct है. साथ में it is a redox reaction. So here C is the correct option, first and third. Question number 6, according to Mendeleev periodic table the arrangement of element is A option increasing order of atomic number, B option decreasing order of atomic number, C option increasing order of atomic mass, D option decreasing order of atomic mass. According to Mendeleev periodic table, जो arrangement है element का उसको हम increasing order of atomic mass के according arrange करते हैं. So here C is the correct option.
According to Mendeley periodic table, the arrangement of element is increasing order of atomic mass. Question number 7. Which element occupy gap left in Mendeley periodic table? A option germanium, B option chlorine, C option oxygen, D option silicon. जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है, कौन से एलिमेंट है जिसको स्पेस रखा गया है लेफ्ट गैप में? सो हियर जर्मेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2? ए ऑप्शन के शेल, बी ऑप्शन एल शेल, सी ऑप्शन एम शेल, डी ऑप्शन एन शेल. जो आउटर मोस्ट शेल जो होती है एलिमेंट की पीरियड 2 के, वो हमारे पास एल शेल होती है. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन? ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन सोडियम, सी ऑप्शन पोटाशियम, डी ऑप्शन कैल्शियम. हमारे पास ये चार एलिमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इजिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पोटाशियम. क्वेश्चन नंबर 10. द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो रिलेशन होता है उसके लिए वो कौन सा होगा? लेंस का केस है तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास 1/f = 1/v - 1/u. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज लेंस फार्मूला? जो लेंस फार्मूला क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है यू वी एंड एफ के बीच में. यू क्या होता है? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, वी जो होगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और एफ जो होगा दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है हमारे पास 1/v - 1/u / 1/f. हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कलर? ए ऑप्शन ब्लू, बी ऑप्शन रेड, सी ऑप्शन ग्रीन, डी ऑप्शन व्हाइट. हमारे पास ये चार कलर गिवन है, इनमें से कौन सा कलर जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है? सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाइट, क्योंकि ब्लू रेड ग्रीन ये सारे प्राइमरी कलर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm? ए ऑप्शन 20 cm, बी ऑप्शन 10 cm, सी ऑप्शन 15 cm, डी ऑप्शन 3 cm. जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm है, वो हमने निकालना है. तो वी नो दैट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है. तो यहां पे रेडियंस कर देंगे, एफ इज इक्वल टू बन जाएगा r/2. अभी जो कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm दिया, तो r की जगह 30 भर दिया, /2, दिस इज इक्वल टू 15 cm. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर आगे 15 cm. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 15 cm. क्वेश्चन नंबर 14. मैग्निफिकेशन m इज? ए ऑप्शन है v/u, बी ऑप्शन है -v/u, सी ऑप्शन है u/v, डी ऑप्शन -u/v. सो मैग्निफिकेशन जो है यहां पे हमारे पास, देखो जब मिरर का केस आता है, याद रखना आपने, मिरर का केस आता है तो मैग्निफिकेशन जो होती है वो हमारे पास होता है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज हमने ले लिया h/size of the object h ले लिया, और ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू -v/u. ठीक है, अगर लेंस का केस देखें हम, तो इन दैट केस जो मैग्निफिकेशन होती है h/h, दिस इज इक्वल टू v/u, ये प्लस में होता है. तो यहां पे अगर आपके पास मिरर का पूछा हो तो आपके पास b इज द करेक्ट ऑप्शन,
अगर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस पूछा हो तो हमारे पास बी पॉन यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट ए ऑप्शन पीपल, बी ऑप्शन रेटिना, सी ऑप्शन कॉर्निया, डी ऑप्शन आई वॉल। जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे फॉर्म करती है तो वो हमारे पास रेटिना के ऊपर फॉर्म करती है। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ए ऑप्शन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन 3×10⁸ मीटर पर मिलीमीटर। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की इन वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जो सन से लाइट आ रही है तो एयर में उसकी जो स्पीड जो होगी वो क्या होगी। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 10⁻⁸, यहाँ पे 108 नहीं है, इसकी पावर 8 है, यहाँ पे भी ये पावर इसकी 8 है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम वो होती है हमारे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर, ए ऑप्शन रेड, बी पिंक, सी ग्रीन, डी येलो। जो ह्यूमन आई होती है वो वेरी सेंसिटिव होती है कौन से कलर के लिए, रेड के लिए, पिंक के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए। तो हमारे पास जो सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी कि जो ह्यूमन आई है इज मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 18, कलर ऑफ द आई इज डिटरमिन्ड बाय ए ऑप्शन पिपल, बी ऑप्शन आइरिस, सी ऑप्शन कॉर्निया, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जो कलर होता है आई का इज डिटरमिन्ड बाय आईज। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ऑप्शन वी, वी क्या होता है पोटेंशियल, डब्ल्यू होता है वर्क डन, क्यू होता है चार्ज। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, बी ऑप्शन, चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई वर्क डन, सी ऑप्शन, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर चार्ज, डी ऑप्शन, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वर्क डन। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, पोटेंशियल जो होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज ए ऑप्शन 2 जूल, बी ऑप्शन 6 जूल, सी ऑप्शन 24 जूल, डी ऑप्शन 1/6 जूल। एक चार्ज 2 कूलम का है और उसको ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा अक्रॉस द 2 पॉइंट्स और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट इज, तो क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास चार्ज क्यू कितना है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट और वी नो दैट वर्क डन होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। सो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल हो गया हमारे पास 12 चार्ज 2, दिस इज इक्वल टू 24 जूल। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 24 जूल। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज ए ऑप्शन वॉट, बी ऑप्शन बोल्ट, सी ऑप्शन एम्पियर, डी ऑप्शन ओम। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसके यूनिट क्या होते हैं। सो वी नो दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1/3 ओम, ए ऑप्शन 1/3 ओम, बी ऑप्शन 1 ओम, सी ऑप्शन 1/9 ओम, डी ऑप्शन 3 ओम। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर गिवन है, अभी हमारे पास यहां पे 3 रेजिस्टर गिवन है, अगर हम उन तीनों रेजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है।
अगर हम उनको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। सो तीन रेजिस्टर हैं और प्रत्येक की रेजिस्टेंस कितनी है, 1/3 ohm। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इक्वल टू, तीन रेजिस्टर होंगे तो तीनों का सम R1 + R2 + R3, और प्रत्येक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 1/3 ohm है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/3 ohm + 1/3 ohm + 1/3 ohm। सो अभी यहाँ पे 3 LCM हो जाएगा ऊपर, 1 + 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 3/3 ohm, दिस इज इक्वल टू 1 ohm। सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ohm। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ए ऑप्शन इन सीरीज, बी ऑप्शन इन पैरेलल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जो फ्यूज होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो हम ऑलवेज फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिससे कई बार ओवरलोडिंग हो तो उसके कारण जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारे पास जो अप्लाइंसेस है वो हमारे पास सेफ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज डिटरमिन्ड बाय। ए ऑप्शन मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, बी ऑप्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सी ऑप्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डी ऑप्शन फैराडे लॉ। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस होगी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, तो उसकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करने के लिए किस रूल का यूज करते हैं, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय। ए ऑप्शन मैक्सवेल राइट हैंड रूल, बी ऑप्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सी ऑप्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डी ऑप्शन फैराडे लॉ। जो डायरेक्शन होगी जो फोर्स प्रोड्यूस करेगी जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मींस अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किसी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और उस फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट, ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बी ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, डी ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्यूज एप्रोप्रिएट फॉर यूज्ड इन सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक हीटर मार्क्ड 220 volt 1 kW विल बी। ए ऑप्शन 50 ampere, बी ऑप्शन 5 ampere, सी ऑप्शन 10 ampere, डी ऑप्शन 25 ampere। एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसकी पावर कितनी है, 1 kW, और जो वोल्टेज जो आ रही है वो हमारे पास 220 वोल्ट है और उसके लिए हम एक फ्यूज़ लगाना चाहते हैं और जो फ्यूज़ है वो कितने एम्पियर का हमें चाहिए।
सो क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी पावर है हमारे पास 1 किलोवाट। सो किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे, किलो का मतलब 1000 वाट बन जाएगा ये, ठीक है, 1 × 1000 तो 1000 वाट हो जाएगा पावर, ये आ गई हमारे पास। और वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो हमने I निकालना है तो I इज इक्वल टू P अपॉन वी हो जाएगा। सो P कितना है हमारे पास, 1000 / 220, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो के साथ ये जीरो। 22 से जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आ जाएगा। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 28, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड मे डिपेंड अपॉन ए ऑप्शन नेचर ऑफ कोर, बी ऑप्शन करंट, सी ऑप्शन नंबर ऑफ टर्न्स, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कोर के ऊपर भी, करंट के ऊपर भी और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी। सो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन जो होगी करेक्ट ऑप्शन होगी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द बास सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज, ए ऑप्शन वुड, बी ऑप्शन कोल, सी ऑप्शन सन, डी ऑप्शन मून। जो बास सोर्स होगा एनर्जी का ऑन द अर्थ वो होता है हमारे पास सन, सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, नेचुरल गैस इज मोस्टली, ए ऑप्शन मीथेन, बी ऑप्शन इथेन, सी ऑप्शन प्रोपेन, डी ऑप्शन पेंटेन। जो नेचुरल गैस होता है उसमें मोस्टली मीथेन होती है, सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल इज कॉल्ड, ए ऑप्शन सोलर पैनल, बी ऑप्शन सोलर बैंड, सी ऑप्शन सोलर सर्कल, डी ऑप्शन सोलर प्लेट। जो कॉम्बिनेशन होगा सोलर सेल का उसको हम सोलर बोलते हैं, सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल इज कॉल्ड सोलर पैनल। क्वेश्चन नंबर 32, द एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल इज, ए ऑप्शन कॉपर, बी ऑप्शन टंगस्टन, सी ऑप्शन सल्फर, डी ऑप्शन सिलिकॉन। जो सोलर सेल जो है उसको बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो हम किसका करते हैं, सिलिकॉन का, सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल इज सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर, ए ऑप्शन चीता, बी ऑप्शन लॉयन, सी ऑप्शन काउ, डी ऑप्शन ईगल। हमारे पास ये चार ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि ओमनिवोर है, सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ईगल। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोइटिक एलिमेंट, ए ऑप्शन टेम्परेचर, बी ऑप्शन रेन, सी ऑप्शन सॉइल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो हमारे पास ये जो एग्जांपल है नॉन वोइटिक एलिमेंट का, तो नॉन वोइटिक, वोइटिक मतलब नॉन वोइटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, रेन भी होती है, सॉइल मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इसमें हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, कॉन्फ्रेंसिस एंड सेमिनार्स आर अरेंज टू डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एट, ए ऑप्शन स्टेट लेवल, बी ऑप्शन गवर्नमेंट लेवल, सी ऑप्शन लोकल लेवल, डी ऑप्शन इंटरनेशनल लेवल। जो हमारे पास कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, सेमिनार अरेंज किए जाते हैं अबाउट एनवायरमेंट प्रॉब्लम, तो वो हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल लेवल के लिए उनका अरेंजमेंट किया जाता है, सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 36, इन विच टॉपिक लेवल आर हर्बीवोर्स केप्ट, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी लास्ट। सो इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच सोसाइटी ऑफ राजस्थान हैड कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज देयर रिलीजियस फेथ, ए ऑप्शन बिश्नोई, बी ऑप्शन ब्राह्मण्स, सी ऑप्शन बैश्या, डी ऑप्शन राणा। जो राजस्थान में एक सोसाइटी है और उसको हम कंसिडर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज देयर रिलीजियस फेथ, मतलब जो कंजर्वेशन होगी फॉरेस्ट की वो उसको रिलीजियस फेथ मानते हैं। इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्राह्मण्स। क्वेश्चन नंबर 38, विच गवर्नमेंट स्टार्टेड अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन राजस्थान। जो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो वो हमारे पास राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन इंडिया, ए ऑप्शन पोर्टेज, बी फ्रेंच, सी ब्रिटिश, डी इंडियन। इंडिया में जो डैम जो है उनकी कंस्ट्रक्शन किसने शुरू की थी, तो हमारे पास यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में सबसे पहले बांध जो है डैम बनाना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 40, द डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ विच डैम हैव नॉट बीन बेनिफिटेड टिल डेट एज प्रोमाइज्ड, ए ऑप्शन सरदार, बी ऑप्शन टीरी, सी ऑप्शन वाकड़ा, डी ऑप्शन तावा। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टीरी। सो इस तरह से आज हमने सैंपल पेपर नंबर 3 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सैंपल पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को वॉच करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देख सको। थैंक यू।